गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फिश फ्राई, वो भी बहुत ही कम तेल और मसालों के साथ। मसाले जो है ना वो बहुत ही बेसिक से होंगे और इसे कोई भी बना सकता है, और ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी और एकदम क्रंची से बनते हैं। और टेस्ट तो ऐसा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, बल्कि बस आप तारीफें ही पाएंगे और लोग आपको बार बार कहेंगे कि प्लीज़ वो फिश फ्राई हमें खिला दो। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिश फ्राई बनाना, जो कि बहुत ही ईजी है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पर फिश जो है वो धो लिए हैं। फिश को आप जब धोना तो उसे आटे या बेसन के साथ धोना, तो फिश जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाती है और उसमें स्मेल नहीं रहती। यहाँ पे मैंने बस डाला है जो रेडीमेड मछली मसाला आता है उसका मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला, साथ में डाली हूँ मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ में हम डालेंगे मैंने एक प्याज, एक लहसुन और एक मिर्च का पेस्ट बना लिया था, उसे हम इसमें डाल लेंगे, जिसमें पानी बहुत ही आप कम मात्रा में डालना, ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो, थोड़ा सूखा सूखा मसाला हो। और इसे फिर हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से मसाले में मछली को पूरा हम लपेट लेंगे। इसमें ऑयल भी हम डाल लेंगे, सरसों का ऑयल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इनको मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, बहुत ही कम मात्रा में हमने डाला है। इस तरह से हमने सरसों का तेल डाला है, ये जब गर्म हो जाए तो उसके ऊपर हम डाल रहे एक कड़ी पत्ता की पूरी डंडी, ये मैंने डाल दी है। आप चाहे तो दो भी डाल सकते हैं, और कड़ी पत्ता ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का आता है। आप देखो, ये नीचे में कड़ी पत्ता है और ऊपर से हम जो है मसाला, जो हमने मछली मसाला जो हमने लपेट के रखा था, उसे हम एक एक करके इसके ऊपर डालते जाएंगे, तो क्या होता है ना, नीचे जब कड़ी पत्ता है वो तेल में फ्राई होता है, तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो सारे मछली में ना अंदर चली जाती है, वो मछली जो है उसे ऑब्जर्व कर लेती है। और जब खाने में कड़ी पत्ता का सोंधापन सा टेस्ट आता है ना मछली फ्राई में, वो ही इस टेस्ट को ना अमेजिंग बना देता है। मैंने यहाँ पे एक डाली का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे दो कड़ी पत्तों की डाली भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। आप चाहे तो कड़ी पत्ता तोड़ कर भी डाल सकते हैं। और ये इतने कम तेल में मसालों के साथ फ्राई होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जिनको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है वो इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जिनको कुकिंग बिल्कुल ही नहीं आती है ना, वो भी इसे बनाकर तारीफ़ें पा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीन मानिए ये ना बहुत ही मज़े का बनता है। और मैं जब इसे बनाई थी ना, मैंने भी घर पे बहुत तारीफ़ें पाई थी, इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप ना इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों साइड अच्छे से पक जाए ना, ये पक गई है हमारी फिश, तब अब हम इसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट को सजा लिया है कड़ी पत्ते के साथ, ताकि देखने में ये अच्छा लगे, और फिर एक एक कर हम सारे फिश को निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना यम्मी सा दिख रहा है, बहुत ही क्रिस्पी सा और क्रंची सा बना है, और टेस्ट इसका बहुत ही अमेजिंग वाला होने वाला है। ये देखिए, हमारा एक प्लेट फिश फ्राई तो बनकर तैयार हो गया। इसे तो मैं पूरा ही खाकर ख़त्म कर दूंगी। अब बाकी के जो बचे हुए फिश हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी तेल डालेंगे और उस पर एक कड़ी पत्ता मैंने डाल दी है। अब सेम प्रोसेस के साथ हम इन्हें भी तल लेंगे, और वो भी मीडियम आंच पे हम इसे तलेंगे। दोनों साइड अच्छे से कुक होने चाहिए मीडियम फ्लेम पे। तो हमारी ये जो मछली फ्राई है ना, मछली मसाला फ्राई कर ले या फिश मसाला फ्राई कर ले, बहुत ही यम्मी सा और टेस्टी सा बनने वाला है। और जो बर्तन में हमारे मसाले बच जाते हैं ना, हमने इसे ऊपर से कोटिंग कर दी है, ताकि मसाले जो है वो बर्बाद ना हो। फिर जब हम इसे ऐसे पलट लेंगे ना, तो नीचे साइड जो मसाले हैं वो सारे अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो जो भी आपके बर्तन में मसाले रहे ना, उनको आप मछली के ऊपर कोट कर देना और दोनों साइड से अच्छे से पका लेना। तो बस हमारा जो फिश फ्राई है ना, आराम से बनकर तैयार हो जाता है, और ये बहुत ही यम्मी सा लगता है। तो ये देखिए हमारी फिश फ्राई, दूसरी प्लेट भी बनकर तैयार हो गई है।
तो अब इसे खाएंगे और मज़े करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितने मज़े से आराम से टूट गए हैं और बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं, बहुत ही अच्छे से। दिखने में ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, यकीन मानिए खाने में भी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे। तो ये थी हमारी फ़िश फ्राई की रेसिपी जो मैंने आपको बताई अपने तरीके से। तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और फिश की ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसे ट्राई करके मुझे बताएं कि आपने कैसे इसे बनाया था। तो मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थोड़ी यूनिक रहती है और बेसिक सी मेरी रेसिपी रहती है जो बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगी और यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल शादाबी जोन से, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।